एक इज्जतदार परिवार के लिए आज भी थाने की दहलीज पर जाना उलझन से भरा होता है, लेकिन अलीगढ़ के उस पिता के लिए तो दिक्कत इस बात की थी कि वो कैसे अपनी बेटी की बेवसी पुलिस वालों को सुनाए, उनके सामने पहुंचे उसको लेकर। नतीजा देखिए कैसे एक तरफा प्यार में सनकी बने एक जालिम ने कभी ना भूलने वाला जख्म दिया। जख्म बेटी के जाने का, जख्म बेटी के अचानक बिछड़ जाने का, जख्म उस चुप्पी को ना तोड़ पाने का, जख्म एक गुहार के दब जाने का, जख्म ताउम्र एक कसक के रह जाने का। अब ये कैसी छटपटाहट है, अब ये कैसी बदहवासी है। जब जरूरत थी तो कुछ ना हो सका, और अब किससे इंसाफ की उम्मीद है, किसके लिए न्याय की गुहार। कैसा नुकसान, कैसा फायदा, मिलेगा क्या? क्या बेटी की आत्मा को शांति मिल जाएगी? क्या एक दुलारी बेटी वापस लौट आएगी? क्या जुर्म से जार जार होती बेटी के खिलाफ होने वाली मनमानियों का दौर खत्म हो जाएगा? क्या फिर किसी बेटी के खिलाफ नाइंसाफी नहीं होगी? क्या फिर कोई परिवार इंसाफ के लिए थाने जाने में नहीं हिचकिचाएगा? कभी कैसे रह गई, कहां रह गई, परिवार की तरफ से या फिर उन पुलिस वालों की तरफ से? क्या जागरूकता की जरूरत थी? क्या किसी को ये बताने की दरकार थी कि मित्र पुलिस मदद के लिए खड़ी है? लेकिन थाने की दहलीज पर जाने में ये कैसी घबराहट कि आज थाने की फाइल में बेटी का पंचनामा पड़ा है। त्रिपुनी से और उसकी तरफ आती है पाली रोड की तरफ जी, उस बीच में उस रोड के नहर के किनारे, नहर के किनारे हाँ, ये लड़की एक बाजरा का खेत था उसमें बॉडी मिली। क्या लग रहा है, हत्या है क्या? नहीं, वो तो हत्या ही है, स्वाभाविक दिख रही है कि शायद गोली वगैरह लगी है, तो हत्या ही हो सकती है, खुदकुशी तो हो नहीं सकती। किसी ने बेटी की उफ तक नहीं सुनी, किसी ने उसकी पुकार नहीं सुनी। जब एक सनकी के चंगुल से छूटने के लिए बेटी जद्दोजहद कर रही थी, बंधक बनाने वाले सनकी ने एक तरफा प्यार थोपने की कोशिश की, लड़की को बंदूक के बल पर हासिल करना चाहा, लेकिन एक तरफा प्यार के खिलाफ खड़ी लड़की ने इकरारे इश्क का जवाब इनकार से दिया, जिसके इनकार से बौखलाए सनकी आशिक ने लड़की को न सिर्फ बंधक बना लिया बल्कि गाँव से बाहर ले जाकर गोली मार दी। किसने करा? लौंडे हैं, उनके नाम FIR बड़े भाई कर रहे हैं हमारे। किस तरह से हुआ, क्या हुआ? वो रात को ले गए जबरदस्ती, हमने परिवार वालों से कहा उनके से तो बोले आ जाएगी, उनके पर गांव में भी गए थे तो उन्होंने कह दिया माने कि उससे पूछा वो लड़का ले गया है मोहल्ले का जो है। अब उसके घर पे गए तो वो बॉडी मिली है बम्बा के पास, नहर के पास। क्या नाम है लड़कों के? नाम है, एक का नाम अजय, एक का नाम राधे। लड़की ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जिस किसी ने गोली की आवाज सुनी उसे ना तो समझने का मौका मिला, ना ही उस जालिम को पकड़ने का। मामले से पुलिस वाकिफ हुई तो मौकाए वारदात आई, पुलिस ने लड़की की डेड बॉडी का पंचनामा कर घर वालों से संपर्क किया। नहर कस्बे के पास, नहर के पास एक शव मिला, महिला का शव मिला, 20-22 वर्ष की होती है, उसकी छाती में गोली मारी गई है। अभी इसमें बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है और जो इसके बारे में जानकारी की जा रही है कि किस वजह से इसको गोली मारी गई। अभी एक दो लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सर, युवती की शिनाख्त हो गई? जी बिल्कुल, युवती की शिनाख्त हो गई, कस्बा अतरौली की रहने वाली है। इलाके के रहने वाले सनकी शौदे से लड़की बेहद परेशान थी, लेकिन परिवार की परेशानी यही थी कि वो थाने जाने से हिचकिचाते थे। डर यही था कि थाने जाने से उनकी बेइज्जती होगी, समाज में कई तरह की बातें होने लगेंगी। इधर परिवार की खामोशी लड़की की जिंदगी पर भारी पड़ने लगी। शौदे को शह मिल गई कि उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन ऐसी मानसिकता का जिम्मेदार कौन, समाज या पुलिस या फिर लड़की के घर वाले, जिन्होंने तहरीर देने के बजाय खामोशी से रिश्ता जोड़ा। नतीजा उस दानव ने कभी ना भरने वाले जख्म दे दिए जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर, लेकिन एक परिवार की आह से वो कभी नहीं बच सकता, क्योंकि आंखों में तैरते अश्क ठहरे हैं जिन्हें इंसाफ की उम्मीद। अलीगढ़ से समाचार प्लस के लिए प्रमोद की रिपोर्ट।